उतई में लगे नसबंदी शिविर में पहुंचे कोल्हियापुरी की महिला को नसबंदी के बाद हुई तकलीफ से दुर्ग जिला अस्पताल रिफर किया गया, जहां उपचार के बाद हुई महिला की मौत। जहां मृतका दिलेश्वरी साहू के पति राजेश साहू ने दुर्ग कोतवाली थाना पहुंचकर नसबंदी में हुई लापरवाही को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने मर कायम कर अपनी विवेचना प्रारंभ कर दी है। उतई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 सितंबर को नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में नसबंदी कराने दुर्ग के ग्राम कोल्हियापुरी की दिलेश्वरी साहू भी पहुंची, जिसका डॉक्टरों के द्वारा नसबंदी ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात उसकी हालत बिगड़ने लगी और उतई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उसे दुर्ग जिला चिकित्सालय रेफर किया, जहाँ इलाज के दौरान महिला दिलेश्वरी साहू ने दम तोड़ दिया। वही नसबंदी ऑपरेशन के बाद ग्राम कोल्हियापुरी की दिलेश्वरी साहू की मौत के लिए उसके परिजन डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए दुर्ग कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही मृतका के पति राजेश साहू ने कहा कि दिलेश्वरी साहू की मौत डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का ही परिणाम है। इस तरह की लापरवाही किसी अन्य के साथ हो, इसके लिए थाना पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई करने की शिकायत दर्ज कराने की बात कही। इस संबंध में पीड़ित राजेश साहू और थाना प्रभारी एस एन सिंह ने जानकारी दी है। आज एक महिला के मृत्यु की सूचना थाने में दर्ज की गई है। मृतिका का नाम दिलेश्वरी साहू, पति राजेश साहू, उम्र 28 साल की है, रहने वाली कोल्हियापुरी की रहने वाली है। उतई में इलाज के दौरान तकलीफ हुई थी, जिसके कारण हॉस्पिटल यहाँ लाया गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में कायम कर जाँच की जा रही है। हम लोग कोल्हियापुरी गए, 6 आदमी महिला लोग गए, 6 वहाँ हम लोग उतई के लिए गए। वहाँ उतई में नसबंदी चल रहा है, वहाँ शिविर लगा था, वहीं नसबंदी का हो रहा था वहाँ। तो अचानक से मेरा भी वाइफ का हुआ, नसबंदी हुआ, उसके बाद अचानक उसका तबीयत वहीं ख़राब हो गया। उसके बाद दुर्ग रेफर किया, तो वे 3:30 करीब डॉक्टर बताया कि इसका बचना शायद है, नहीं बराबर है। तो फिर पता लगा 1 घंटा बाद उसका डेट हो गया करके। तो इसमें पूरा डॉक्टर का ही लापरवाही लग रहा है। आज मेरा साथ हुआ, वैसे किसी के साथ मत हुए, बस यही मांग है मेरा कि और किसी के साथ ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।